सनी देओल जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है और खूब एक्शन सीन करते हैं, इन दिनों अपनी नई फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में ही है। यह फिल्म काफ़ी समय बाद आई और सिनेमाघरों में इतनी अच्छी कमाई की कि हर कोई हैरान रह गया। जहां सनी अपनी फिल्म के सफलता से खुश है, वहीं उनके पिता धर्मेंद्र को लेकर कुछ खबरें आ रही। ऐसा कहा जाता है कि सनी अपने पिता का इलाज कराने के लिए अमेरिका ले गए थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल सनी देओल काफ़ी खुश है क्योंकि उनकी फिल्म गदर 2 काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन अब वह अपने पिता धर्मेंद्र की देखभाल के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले रहे। धर्मेंद्र को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए सनी ने उन्हें अमेरिका ले जा रहे। सनी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसके पिता बेहतर हो जाए, इसलिए वह अपना सारा ध्यान उनकी देखभाल पर लगा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ अमेरिका जाने का फैसला किया। इन दिनों सिनेमा की दुनिया में डेमोक्रेट अपना कमबैक करने लगे। एक्टर को आखिरी बार रणवीर और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम करता देखा गया था। इस फिल्म में डेमोक्रेट ने रणवीर सिंह के दादा का किरदार निभाया था। फिल्म को दर्शकों के अभिनेता से भरपूर प्यार मिला था और सभी ने अभिनय की जोरदार ताकत की थी। इसके बाद अब डेमोक्रेट की कुछ और फिल्में भी पाइपलाइन में, फिल्म में वह जल्दी काम करते नजर आएगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।